अ प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल हॉस्पिटल रीवा, विंध्य क्षेत्र में पहली बार कैंसर का संपूर्ण इलाज, आयुष्मान कार्ड धारकों का संपूर्ण इलाज निःशुल्क। पता नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड रीवा। के माध्यम से कहते हैं हमें कंपटीशन कांग्रेस बीजेपी का नहीं, आपने पहले ही कहा टक्कर का बनता है और 2.5 लाख रुपए ग्रामीण से लोहा वही रहे में चारों तरफ से रोडे निकल रही है। इनको मालूम हो गया कौन से लिए लगा है, पूर्व में कहते हैं लेकिन एक की जस्टिस की लाइन आ गई है और नमस्कार विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है, चुनावी चौपाल। और आज हम हैं रीवा संसदीय क्षेत्र के सिमरिया विधानसभा में। रीवा जिले की एकमात्र सीट है सिमरिया विधानसभा, जहां पर कांग्रेस का कब्जा है। यहां से विधायक है अभय मिश्रा। और अब जब लोकसभा चुनाव की बात हो रही है, 2024 लोकसभा चुनाव की बात हो रही है, तो सबसे बड़ी बात कि दोनों प्रत्याशी, भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी, इसी क्षेत्र से आते हैं, यानी सिमरिया से आते हैं। हमने पहले भी चुनावी चौपाल में, विधानसभा चुनाव में आपको बताया था कि यहाँ की क्षेत्र की जनता के क्या मुद्दे हैं, क्या तासीर है, जनता किस करवट बैठेगी। और परिणाम के बाद अब जब लोकसभा चुनाव की बात है, तो ये जानने की कोशिश कि आखिर यहाँ के लोग किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव है भाई साहब, कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर वोट करने जाएगी सिमरिया की जनता? देखिए, लोकसभा चुनाव मुख्य मुद्दा हमारा यहाँ जो है तो युवा बेरोजगार है। यहाँ हमारे क्षेत्र में एक भी कोई भी ऐसा कारखाना, क्योंकि कारखाना डालना केंद्र का काम था, माननीय सांसद जी को 10 वर्ष की का समय हमारे क्षेत्र की जनता ने दिया है, क्योंकि उनका सिमरिया हमारा गृहग्राम क्षेत्र है उनका, माननीय सांसद जी का, वहाँ हिनौता के जन्म हमारे सिमरिया विधानसभा का गाँव है। लेकिन एक भी योजना, कभी न कोई केंद्रीय मंत्री आया हमारे सिमरिया में, न कोई एक योजना आई हमारे सिमरिया क्षेत्र के लिए, कि माननीय सांसद केवल वही हवाई अड्डा और ट्रेन गिनाते रह गए। और इस क्षेत्र में किसी भी गांव में न एक कोई सामुदायिक भवन है, न कोई ऐसा कोई एक गांव गरीब के कल्याण के लिए कोई काम किया गया हो। एक नाली, एक पुल पुलिया का निर्माण अगर माननीय सांसद जी ने कराया हो, किसी गरीब के कभी भी सिर पर हाथ भर रखने का काम माननीय सांसद जी नहीं किया। कोई बीमार आदमी था उसके ऊपर कभी भी चार आने का कभी कोई सपोर्ट नहीं किया गया। स्वेच्छा अनुदान की जो राशि दी गई, आप देख सकते हैं मीडिया में भी थी, अंधेर हो गया है धरती पर कि पहली बार हमने देखा है किसी गरीब व्यक्ति को नहीं दिया गया। वो एक कुछ एजेंसी जो लोग हैं, निजी लोगों को पूरी राशि वितरित कर दी गई, केवल वही टैंकर, केवल टैंकर टैंकर। सांसद पर सीधे आरोप है कि 10 सालों में क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया गया। बड़ी उपलब्धियां दे सकते हैं सांसद 10 साल में, क्या कुछ मिला इस क्षेत्र को? आप पहले तो मैं सिमरिया क्षेत्र में आने के लिए आप विंध्या टाइम को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। और आप सभी के बीच ये यमुना प्रसाद शास्त्री जी की धरती है, और इस धरती में 10 साल के बीच में, अभी हमारे मित्र एक बात कह रहे थे कि 10 साल में जनार्दन जी ने किसी को भी बीमारी की हालत में दवा नहीं कराई। तो मैं अपना उदाहरण दिए दे रहा हूँ, ये वहाँ पर गवाह थी। हम पैरालाइज हुए थे, पैरालाइज में हम मध्य प्रदेश नहीं, नागपुर और कहीं से ठीक नहीं हो रही थी। जनार्दन जी हमारे घर आए थे और बोले थे कि चलिए, 2019 की बात कर रहे हैं, चलिए दिल्ली, दिल्ली में चल के आप दवाई कराइए। और हम, हमारे साथ 13 लोग, और 1.5 महीने तक उन्होंने अपने मकान में हम सभी को रखकर खाना दिया, हमारी दवाई कराई, और राम मनोहर लोहिया जैसे हॉस्पिटल में उनने दवाई कराई थी। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? कम से कम 50 आदमी उनके निवास ऑफिस पर, जो लोकसभा में उनका कार्यालय कमरा था, वहाँ कम से कम 50 लोग निःशुल्क भोजन की व्यवस्था वो करते थे। इससे बड़ी उपलब्धि बीमारी हालत के क्या हो सकता? 50 लोगों को निःशुल्क भोजन करा रहे थे, सबको सुविधाएं मिल रही थी, आपने कहा किसी को स्वेच्छा अनुदान से कुछ दिया नहीं। माननीय हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता है आप, उनके जूनियर थे,
उनका कर्तव्य भी बनता था, क्योंकि आप जूनियर थे, उनके लिए आपने काफी काम किया है। वास्तविक रूप से किसी गरीब के लिए वो आदमी बताए, कोई गरीब बताए, है ना? नहीं नहीं, क्या बोले? गरीब की दवा जनार्दन मेहता जी ने पढ़ाया आज तक, कोई गरीब मरा हो, वो तो आप भाजपा कार्यकर्ता थे, उनको तो बेहतरीन बेड दे दिया गया, और किसी गरीब को बेड दिया गया? आप पूछिए ना जी, क्या बोल रहे हैं? इस क्षेत्र में संसद जी कुछ काम नहीं, आज तक पर्सनल काम जो हुआ तो अपने लोगों के वो करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति विशेष हो। हम किसान हैं, मीडिया प्रभारी भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, आज तक किसानों के विषय में कोई ऐसा योजना लाल नहीं की सरकार, एक पक्ष कर रही है, वही अंबानी, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, किसानों के 40 किलो के डीएपी हो गई, किसानों के 40 किलो यूरिया हो गई, 12,000 रुपए हमको मिल रहा है, 12,000 रुपए में पूरा प्रोडक्ट हमारा महंगा हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में पूरा किसान बेहाल है, बेहाल के हिसाब से हम लोग किसान इकट्ठा होके कांग्रेस पार्टी का वोट करने के लिए इरादा किए हैं, अब विजयी भी दिलाएंगे, ये हम दावे के साथ कह रहा हूँ। हाँ, मैं माननीय सांसद जी से पूछना चाहता हूँ कि उनका गृह विधानसभा सिमरिया है, वो अपने 10 वर्ष का विकास कार्य सिमरिया के लिए उन्होंने क्या दिया, वो हिसाब दे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि 10 वर्षों में माननीय सांसद जी ने सिमरिया में 1,00,000 रुपए की भी नाली निर्माण कराई हो, रोड बनवाया हो, उसका हिसाब दें। सांसद ने 10 वर्षों में सिमरिया को क्या दिया? ये गृह क्षेत्र है, सबकी उम्मीद रहती है कि हमारा सांसद हमारे क्षेत्र के लिए तो कुछ करे। सांसद जी ने सिमरिया के लिए नहीं अपितु पूरे देश के लिए दिया है। स्वच्छता अभियान हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण था, नरेंद्र मोदी जी का महत्वपूर्ण अभियान था, उन्होंने स्वच्छता अभियान में इस देश का नाम रोशन किया जो पूरे विश्व में है। अब आप ये बताइए कि सिमरिया का नहीं, पूरे देश को उन्होंने दिया है। सिमरिया के लिए उन्होंने बहुत दिया, जब वो सांसद नहीं थे उसके पहले सिमरिया में 1-2 ट्रेन चलती थी रीवा जिले में, हमारे आज के डेट में हमारे यहाँ 15 ट्रेनें चल रही हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि एयरपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, उन्होंने उनके शासनकाल में एयरपोर्ट मिला हमारे सिमरिया के लिए, और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो जमीन तक उतरवाने में पूरा प्रयास करते हैं। बाबूजी क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मैं कहता हूं कि एयरपोर्ट माननीय सांसद जी की उपलब्धि है या राजेंद्र शुक्ला जी की उपलब्धि है, ये तय होना चाहिए ना। दोनों एक ही व्यक्ति एक ही चीज की उपलब्धि बताएंगे, सांसद जी बताएंगे कि मैं उपलब्धि लाया हूँ, राजेंद्र शुक्ला बताएंगे मैं उपलब्धि लाया हूँ, फिर उससे गरीबों का क्या हित होना है बताइए आप। एयरपोर्ट बने रहे स्वच्छता के लिए देश भर में, स्वच्छता के लिए भाई साहब आप गांव-गांव में चले जाइए, यहाँ गांव के लोग बैठे हैं, एक भी शौचालय जहाँ गांव में बने हैं वो चालू हो, अगर संचालित हो तो जो कहिए वो हमको हार जाएंगे। अच्छा अच्छा, भरा हुआ है, भूसा भरा हुआ है, कंडे भरे हुए हैं, यदि किसी शौचालय में सीट ही नहीं है, टीन नहीं है, कुछ नहीं है, किस बात का शौचालय? पैसा खाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रायोजित योजनाबद्ध तरीके से अपने लोगों को पैसा खिलाने के लिए इस तरह की योजनाएं ले आ रही है। वर्तमान समय में नल जल योजना चल रही है, तमाम बता रहे कि नलों से पानी आ रहा, किसी गांव में अगर नल से पानी आता हो तो हम सारी व्यवस्था हारने को तैयार है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक समूह है, एक संगठन है जो चारों तरफ लूट मचाए हुए है, और इससे देश की जनता मुक्ति चाहती है, और यही तय हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को समुद्र में ले जाकर फेंक दिया जाए। बताइए आप कुछ बोल रहे थे। ये अभी नल जल की बात किए त्रिपाठी जी, तो सिमरिया में आपका निवास है तो क्या मीठा पानी नहीं पाते हैं? मैं एक बात बता दूं आपको, ये चुनाव जो है ये सुनिए त्रिपाठी जी, आपको जनता 26 तारीख को जवाब देगी। बात ये है सबसे बड़ी कि ये प्रत्याशी है वर्तमान में जनार्दन मिश्रा जी, उनके व्यक्तित्व का चुनाव है। आज तक के 10 साल के उनके शासनकाल में उनके राजनीतिक करियर में भ्रष्टाचार नहीं लगा है, वो एक राजनीतिक संत हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद जी और कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं कि यहां से तीन किलोमीटर दूर सांसद द्वारा गोद लिया हुआ गांव हरदुआ गांव है, वहां का विकास गिनाए कि हरदुआ गांव का इन्होंने गोद लिया था उस गांव का बताइए। हरदुआ गांव है उसको, और वहीं का निवासी हूँ। सही सही बताइएगा क्योंकि अब वही गांव की बात हो रही है, बताइए। वही तो बोल रहा हूँ भाई,
30 साल से दैनिक जागरण का पत्रकार भी हूँ और अभी भी हूँ और अखबार भी हूँ। हरदुआ गांव को उन्होंने गोद में लिया था, एक तोला मिट्टी नहीं पड़ी है, गिट्टी और मुरुंग की तो बात छोड़ दीजिए। जल नल योजना के तहत आज तक एक बूंद पानी नहीं आया और सोलर लाइट लग गई कागज में। करोड़ों रुपए की सप्लाई किन्होंने किया, एजेंसी कौन है? कबीर। ईंटा की सप्लाई कबीर, टैंकर की सप्लाई कबीर, मतलब सारी सप्लाई कबीर जी ने किया, उनके सुपुत्र है। पहले सुनिए, अरे रुको भाई, क्योंकि इधर राजनीति के संत बताए और आरोप बहुत बड़े लग रहे हैं। नहीं, हरदुआ गांव बहुत दूर नहीं है, वहां देख लिया जाए, यही 3 किलोमीटर में है। एक इंच रोड नहीं बनी, रोड जो चलती थी वो स्टॉप हो गई, बंद हो गई। जल नल योजना के तहत आदर्श गांव था। सुनिए सर, तो वहां पर बोलिए वहां पर जल नल योजना का आज तक एक बूंद पानी नहीं आया, टंकी बन के खड़ी है 8 साल से, लेकिन कुछ नहीं, न रोड बनी, शौचालय नहीं बने हैं, रिकॉर्ड में पीडीएफ मुक्त है गांव, ठीक। पशु चिकित्सालय बनाया गया, बिल्डिंग बनी है दूसरे गांव में किनारे में, आज तक डॉक्टर उसमें नहीं गया, ठीक। सब स्टेशन स्वीकृत था आदर्श गांव के तहत, आज तक नहीं दिया गया वहां पर। मतलब कोई योजना का, केंद्र सरकार की योजना का कोई लाभ नहीं मिला, और निकल गया। और रिकॉर्ड में जो सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मिली उसमें सारे पैसे निकल चुके हैं। गोद लिया हुआ गांव था, सांसद के गोद लिया हुआ गांव की स्थिति है, बताइए। देख अब वहां लाइन लगती है पेयजल के लिए, डब्बा में पानी भरते, एक पंप तक नहीं लगा कर। मैं वही का निवासी हूँ। जो है तो कमीशन लेते हैं, कबीर जो उनके सुपुत्र हैं बड़े वाले, वो 30% कमीशन में काम करते हैं। और ये बताइए, देखिए आपने इतना अच्छा मुद्दा इतने अच्छे व्यक्ति से पूछा, सांसद गोद लिया गांव है, शायद उनको ध्यान है और वो वही के निवासी है। हमारे मित्र पाठक जी ने उस हरदुआ गांव में पता करिए कि विद्यालय और वहां पर ग्राउंड आप ही ने प्रस्ताव रखा था, और सांसद महोदय ने हरदुआ को गोद लेकर 7 एकड़ जमीन पर इतना बड़ा विकास कराया। एक एक हरदुआ गांव का आदमी उनका जिंदाबाद बोलता है, और गांव का पूरा आदमी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने। दूसरी बात अभी हमारे मित्र ने एक बात कहा कि सांसद जनार्दन के लड़के कबीर उसकी एजेंसी है। एजेंसी तो कोई ठेकेदार ले सकता है, एजेंसी जिसको टेंडर होगा जो पाएगा वो तो ठेकेदार कोई ले सकता है, और भारतीय जनता पार्टी के लड़के के ऊपर आरोप लगे तो क्या कांग्रेस प्रत्याशी के लड़के के लड़के की कोई एजेंसी नहीं है? क्या एजेंसी नहीं है? ये व्यक्तिगत आरोप किसी पर लगाना, अच्छा ठीक है। हाँ, हरदुआ जो ग्राउंड बता रहे हैं, ग्राउंड में कुछ नहीं है, खाली मैदान पड़ा है, उसमें केवल बाउंड्री बनी है, तो वो कबीर जी ने सप्लाई किया, रीवा से ईंटा आया यहाँ, कोई काम नहीं आज तक हरदुआ गांव में। वो हरदुआ गांव गए ही नहीं, गोद लेने के बाद वो गए ही नहीं। चलिए एक बार कैमरा घुमाइए और ये बताइए कि इस विधानसभा सीट में रीवा लोकसभा के हिसाब से रोजगार कितना मिला और कितना बड़ा मुद्दा है, रोजगार की स्थिति क्या है, घुमाइए, रोजगार की क्या स्थिति है? बहुत रोजगार पैदा हुए हैं, बताइए। सड़कें बन गई। अरे रोजगार पूछ रहा हूँ तो सड़क बता रहे हैं आप। रोजगार के क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए हैं, विकास क्या रोजगार में विकास कार होते तो रोजगार पैदा ही होते हैं। कैसे? हर जगह रोजगार पैदा हुए, देख लीजिए। जी जी, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि जो लड़का पढ़ता है उसको रोजगार मिलता तो मजदूरी करावा, क्या है मजदूरी करावा, पैसा मिलेगा, ठीक है। रोजगार की क्या स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति है? जीरो, कुछ नहीं, जीरो जीरो। जहाँ पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं ना, ये भी विधायक जी हमारे स्वर्गीय अमला प्रसाद शास्त्री को विराज दिए, तो उनको खड़े होने की जगह, इतना बड़ा विकास है इनका, हाँ, और कोई जगह भी नहीं। जनार्दन मिश्रा अगर संसद में उठाए हो रोजगार के लिए, एक मुद्दा बता दें। बात सुनिए भाई,
युवा कुछ बोल रहा है उसको सुनिए। जनार्दन मिश्रा एक मुद्दा बता दें जो संसद ने उठाया हो रोजगार के लिए, हम उनको वोट देने के तैयार हैं। अगर एक मुद्दा बता दें कि अगर कारखाने के लिए लड़ाई हो रही, सांसद महोदय ने रीवा क्षेत्र के लिए लोकसभा में खड़े होकर एक प्रश्न किया हो तो मैं वोट देने के लिए तैयार हूँ। मोदी की गारंटी फेल हुई, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार मिले नहीं मिले, बेरोजगारी बढ़ी है। मैं इनको यही एक संदेश देना चाहता हूँ, नए जाली माए हैं नया आंधी बनाऊंगा, नए जाली माए हैं नई आंधी चलाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। महात्मा धान गेहूं दोनों का समर्थन मूल्य बढ़ाने को कहा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने, मोदी की गारंटी की बात थी, ये किसान बोल रहे हैं कि दिया नहीं। मोदी जी की जितनी भी गारंटियां सब गारंटी पूरी हो रही हैं। अभी पिछले साल रीवा धान और गेहूं का बताइए, आने वाले समय में वो भी हो जाएगा। अब विधानसभा की गारंटी हम बता रहे, इस बार भारत का मतदाता अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जो वोट पड़ेगा बेहतर भविष्य के लिए पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी ये रोजगार की बात करते हैं, इनके जितने सब की पत्नियां जो हैं तो 12-1200 रुपए लेती हैं। अरे वो रोजगार नहीं, ना एक सेकंड एक सेकंड, मैं यूथ एक सेकंड बात सुने सुने सुने, मैं रोजगार सुनिए एक सेकंड, रोजगार वो मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ। वो बोल रहा है कि रोजगार दीजिए, वो छोड़ने को भी तैयार हो जाएंगे। रोजगार को लेके यहाँ क्या प्रयास? देखिए जब कोई विकास बड़े विकास कार्य मंजूर होते हैं तो स्वाभाविक रोजगार है। अभी रीवा में एयरपोर्ट बना उसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो बिंध पूरे विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है वहाँ कई हजार लोग काम कर रहे हैं। तो रोजगार का हर आदमी को कोई भी पार्टी रोजगार नहीं दे सकती है। रोजगार के जब कोई खुलता है ऑप्शन तब रोजगार मिलता है। हर व्यक्ति को कोई रोजगार नहीं देता था, हर व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल सकता। हाँ मैं सांसद जनार्दन मिश्रा के मामा का लड़का हूँ, लेटर पार्ट में ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए। एक लड़के हैं, किसके लड़के हैं? मामा के लड़के हैं सांसद। हाँ उनके लड़के उसको कबीर को मैंने 1,00,000 रुपए दिया था, लेटर पैड बनाया था ट्रांसफार्मर के लिए। फिर वकील साहब के सामने मेरा पैसा नहीं वापस कर रहा तो उसके घर में मैंने फांसी लगाने की तैयारी किया था। आप पकड़े, जब सांसद अपने रिश्तेदार का नहीं हुआ तो देश का क्या होगा और लोकसभा का क्या होगा? मेरे सामने फांसी लगा रहे थे, फिर इनको हमने मना किया कि क्योंकि हम भी उस समय भाजपा में थे। हमने कहा माननीय सांसद का घर है, आपके मामा के लड़के हैं, आप फांसी मत लगाइए, पैसा हम वापस करा देंगे। ये बार बार हमसे लड़ते रह गए, बोले अगर आप भाजपा में रहेंगे तो आपको हम मारेंगे। ये 5-7 बार हमको धमकी दिए, हम आ ही नहीं पा रहे थे वहां से। इस बार भाजपा में लठ मारेंगे आपको अगर आप भाजपा में रहेंगे। यही बालेंद्र भाई मुझे 20 बार धमकी दिए है इस बात के लिए कि आपको मारेंगे, फांसी लगा लेंगे। हाय इस क्षेत्र में कृषि की स्थिति क्या है वो किसानों ने बताया। एक चीज बताइए, एरा प्रथा जिससे किसान परेशान है, इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक बड़ी दिक्कत है और सांसद ने खुद कई बार एक्सेप्ट किया कि एरा प्रथा से परेशान है। यहाँ पर क्या स्थिति है एरा प्रथा की? एरा प्रथा में काफी काबू किया गया है, बहुत बड़ा यहाँ पर गौशाला बना है जिसकी करीब 15,000 गायें वहाँ आज भी हैं और घोटाला उटाला कुछ नहीं है। गोवर्धन योजना इस चुनाव के बाद अतिशीघ्र लागू होगी, अपने पूरे देश में लागू होगी, जिसमें प्रदेश टॉप में रहेगा। किसानों से उन गायों का गोबर खरीदा जाएगा और प्रशिक्षित किया जाएगा सबको कि माने अपने से खाद बनाए और अब अपने से गोमूत्र का भी कीटनाशक के अनेक प्रकार की जैविक खादें बनाई जाएंगी। गोवर्धन रोजगार वाली बात अभी कर रहे थे, आज जो भी काबिल है वो रोजगार में है। मैंने आज अब ये नहीं पूछा जाता कि सरकारी नौकरी में कौन है, आप किसी से पूछे क्या जॉब करते हैं आप या कि आपकी कंपनी कौन सी है। हमारे सभी युवा धीरे धीरे, अभी तो विकसित हो रहा है भारत, 2047 तक देखिएगा कि सब आत्मनिर्भर रहेंगे। नहीं गोवर्धन योजना का उन्होंने कहा कि लागू हो जाएगी लोकसभा चुनाव के बाद, और नहीं और गौशाला बनी हुई है इतनी बड़ी, वहाँ इतने मवेशी हैं, आप देख लीजिए मार्केट में घूम के कितने मवेशी घूम रहे हैं।
अभी भी देख लीजिए आप, ये स्थिति है, कुछ भी नहीं है। नगर में देख लीजिए, पूरे एक्सीडेंट मवेशियों को लौट हो रहा है। मरणशाला नहीं, मरणशाला है वहाँ। आप देखिए डेली 10 से 50 गाय मरती है, मरणशाला है वहाँ, बदबू आती है। 50-60 गाय डेली मरती पर डे, ऐसा किसी दिन नहीं होता। जेसीबी से घंटे में डाल दिया जाता है। आप जाकर लाइव देखिए वहाँ पर। आप जाइए मानिक गौशाला बना हुआ है तो मानिकपुर रोड से यहाँ से निकलिए, फिर देखिए पूरी रोड में गाय गाय मिलेगी, मवेशी मवेशी मिलेगी। इतना सब कुछ देख के चुप है अपने जेपी नड्डा। रेल बिक गई, भेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। इतना सब कुछ देख के चुप है अपने जेपी नड्डा। किसानों की बात की आपने, कहा किसान जिम्मेदार है, काहे के लिए किसान, ये गाय वाले मसले में आपने कहा। देखिए सबसे बड़ी, आखिर हम पशु जो है, गाय जो है, तो सड़कों में बात जो आ रही है, हमारे घर में गाय है। गाय किसके पास है? किसानों के पास है। किसान अगर जो हर गाय अपने घर में स्वयं बांध ले तो बाहर जाएगी ही नहीं गाय। इसके दोषी एक मिनट, हमारो गैया है तो जब ओका हम बांध ले गए, हम बांधा में खवाऊ ओका, तो वह बाहर इंटर रोड मानी ना हो, समझ गए ना। तो गाय के कर आई हमारे अपना के आई, किसाने की गाय न हुई तो हमको उनको बांधना चाहिए, स्वयं बांधे, रखवाली हम स्वयं करेंगे। केवल हम दूध खाने के लिए हैं और गौ माता की जयकार लगाएं और हम खुले हम छोड़ दें, ये हमारी भी सरकार, इसकी ठेकेदार नहीं है कि सरकार, हम भी जिम्मेदार होना चाहिए। अच्छा चीज बताइए, ये सवाल सबसे है, किसी दल से नहीं है, एक सवाल है, समझिएगा। ये जो गायों की समस्या है, ये पिछले 15 साल में इतनी बड़ी क्यों हो गई, इसके लिए आप क्या मानते हैं, कौन जिम्मेदार? सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है, सबसे बड़ी बात ये है, पहले क्या होता था कि मजदूरों से गेहूं की कटाई की जाती थी और धान की गहाई कराई जाती थी तो खाने के लिए हो जाता था। लेकिन अब जब सारी मशीनरी द्वारा काम होता है तो भूसा पर्याप्त हो नहीं पा रहा है, इसीलिए किसान अपने जानवर को छोड़ देता है और वही किसान का जानवर उसी के खेत को खा लेता है। तो ये कोई समाधान नहीं है, मतलब कि सरकार सारे, ये मेरा ये निवेदन है, ये गौशाला गोरख धंधा है। लालू का चारा घोटाला में लालू को जेल हो गई थी, यहाँ कितना बड़ा गोरख धंधा हुआ, गो रखने के, गऊ गाय और राम, केवल ये धर्म के आधार पर हमको धार्मिक भावनात्मक शोषण किया जा रहा है, ये हमारे धरती का दुर्भाग्य है। यहाँ गौ माता फेहा रही है, टाली टाली भर गऊ गाड़ी जा रही हैं और चारा घोटाला को आप हर गौशाला को देख लीजिए जितनी बनी हुई है, इसमें गौशाला में काम किसको दिया गया है? ऐसे लोग काम कर रहे थे जो मनरेगा के कार्य को, वो पूजगर लोग, इस विधानसभा को खाने का काम किए हैं और गऊ आज भी तड़फड़ा रही है। गाँव कोई भी गौशाला में एक भी गाय आप देखो, दुबली पतली मर्द ही गाय है। 15 महीने के लिए कांग्रेस सरकार आई थी, इसीलिए चारा घोटाला चालू करने के लिए गौशाला को योजना मिलाया था, तो जिससे हम चारा घोटाला कर सके, भूसा घोटाला कर सके। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गौशाला को, आप सामन मामा में देख लीजिए, हमारे ग्राम पंचायत भमरा में देख लीजिए, आज भी संचालित है, आप परवी में देख लीजिए, यही सिरमौर ब्लॉक में आती है, 2275 रुपये हमारी केंद्र सरकार दे रही है, जिसमें राज्य सरकार 125 रुपये दे रही है, 2400 रुपये वर्तमान में अभी गेहूं की खरीदी केंद्र चल रही है। और ठीक है, किसानों को क्या बोल रहे हैं, क्या पूछना चाह रहा हूं? मैं तो यही पूछना चाह रहा हूं कि MSP की बात ये लोग कर रहे हैं, MSP नहीं मिल रहा है। MSP मिलेगी 2024 में, सरकार मोदी जी की फिर बन रही है और आपको MSP मिल जाएगी, इसलिए कि अभी उसमें मीटिंग चल रही थी, सुनिए, अभी बातें चल रही थी, बोनस मिलेगा किसानों को और किसान भी खुशहाल है। पहले यहाँ एक भी सिंचाई का साधन नहीं था, आज मोदी जी के राज में सबको, एक तो नहीं, सबका साथ सबका विकास। देखिए एक सेकंड, और इस बार वोट हम लोग दे रहे हैं देश के लिए, अगर हमारा देश मजबूत होगा तो हम ऑलरेडी मजबूत है। मैं पूछता हूँ, देश कैसे बचेगा? देश में दो ही धुरे हैं, एक जवान और एक किसान। जवान को उन्होंने मार दिया अग्निवीर योजना लाकर, जवान का पूरा फ्यूचर खत्म हो गया। नेताओं को पेंशन मिले, जवान को पेंशन नहीं मिले।
दूसरी बात रही किसान की, 700 किसानों ने अपनी शहादत दी, एमएसपी के बोले कि हम बनाएंगे, विश्वास मिलिए और मुकर गए। कैसे हम मोदी की गारंटी माने जब एमएसपी मध्य प्रदेश में नहीं मिला 3100 न 2700। मोदी गारंटी फेल है। बताइए एक सेकंड, थोड़ा सांसद की ओर यहाँ, क्योंकि देखिए राष्ट्र के मुद्दे तो हैं, लेकिन यहाँ पे क्षेत्र में क्या कुछ मिला ये भी जानना जरूरी है। आरोप लगा लेकिन उन्होंने कहा साफ सुथरी छवि के हैं, जबरदस्ती के आरोप हैं। आप ये बताइए इस बार कौन से वो बड़े मुद्दे होंगे जिसको सामने रख के यहाँ की जनता वोट करने जाएगी? पहली बात है महंगाई। क्या कह के भाजपा सरकार आई थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ₹10 बढ़ता था तो हाहाकार मचा देते थे गैस में, अब जब ₹1130 हुआ तो क्या हुआ है भाई, ये क्या था? 830। अच्छा 1130, 1130 किसने किया था? 400 से 1130 किसने किया था? केंद्र सरकार ने किया था। उस बार जब वोट डालने की बात आई तो बोले कि जब आप वोट डालने जाइए तो सिलेंडर को नमस्ते करके जाइएगा। अब क्या करेंगे 830 में, क्या करेंगे उस सिलेंडर को? इस बार क्या करना चाहिए? महंगाई के बारे में बिल्कुल साइलेंट है, महंगाई के बारे में कितना साइलेंट है, क्यों नहीं बोल रहे महंगाई के बारे में? आम जनता कराह रही है, हर चीजों का रेट दोगुना हो गया है 70 साल में। पेट्रोल को पहुंचने में 70 रुपए पहुंचा, लेकिन 10 साल के अंदर ये सीधे 111 में हो गया। सोना 28,000 था 2014 में, आज 64,000 है, आज 74 हो गया। हाँ ये अच्छे दिन है, मतलब 1130 का सिलेंडर अच्छे दिन हो गए, 74,000 75,000 का सोना अच्छे दिन हो गए। हरी चीज महंगाई, सारी चीजों की महंगाई डबल से ज्यादा हो गई, लेकिन गेहूं कितना हुआ, दोगुनी आय काम कर देंगे हम, आपकी आमदनी दोगुनी कर देंगे, मतलब 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए, खाद 3 गुना कीमत में बिक रही है, 500 की खाद, 500 की खाद आज 1500 में डीएपी बिक रही है। डीजल आज की डेट में हर किसान सारी खेती करता हार्वेस्टर से, 55 रुपए में था डीजल, आज 96 रुपए है। चलिए मतलब महंगाई बड़ा मुद्दा, एक चला रहा हूँ, महंगाई मुद्दा है ना? नहीं मुद्दा नहीं है जी, महंगाई मुद्दा है कि नहीं? महंगाई मुद्दा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के, भैया आप बोलते हैं तो हम नहीं बोलते हैं। सुनिए भाई, सुनिए जी, बताइए। देश में मोदी जी हैं और मोदी जी के रहते कोई महंगाई का मुद्दा नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है कि जनसंख्या आज कितनी रफ्तार से बढ़ रही है। इंदिरा गांधी जी ने नसबंदी कार्यक्रम किया था, मोदी जी ने तो नसबंदी कार्यक्रम नहीं किया कि पकड़ ठोस दो जेल में ठोस दो, मोदी जी ने नहीं किया। अब जब जनता बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, पहले एक गांव में एक मोटरसाइकिल होती थी, आज एक घर में 10 मोटरसाइकिल है, तो पेट्रोल की आवश्यकता उत्पादन के अनुसार, जब उत्पादन होगा तब उसका विक्रय होगा। आर्थिक जो मूल्य है वस्तु का मूल्य जब बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर मुद्रा स्फूर्ति महंगाई। मैं आपकी ये बात मान लिया, अब की बार महंगाई की मार वाला नारा दिया, महंगाई का मुद्दा था कि इस महंगाई से निजात पाने के लिए सरकार चुनिए, सरकार भी चुना जनता ने, तो वो तो चाहेगी ना कि महंगाई से राहत मिले। ग्रामीण में जाएंगे आज भी नालियां नहीं बनी है, नल में सूखे पड़े हुए हैं, आदमी दूसरे टोले जाता है पानी भरने के लिए, आज भी नल नहीं। पंचायत का मामला है, बड़े पोस्ट बड़ा गांव है, बिग्राम बेला। अच्छा। इस जी मतलब ये मसला तो ये भी है। चलिए लेकिन ये बात सीधे तौर पे बताया जो चीजें कही, नहीं तो नारी भी है भाई, कांग्रेस नेता से क्या मतलब है, ये क्या बात हुई? कांग्रेस लीडर है तो क्या महिला नहीं है वो? बिल्कुल महिला है। तो आपने क्यों कहा कि नारी ही नहीं है कांग्रेस? नहीं नारी है, बट कांग्रेस ने गलत बात, ये गलत बात है। आप सिंगल देखिए आप सिंगल महिला से बात करिए, किसी रोड में किसी महिला से बात करिए, कांग्रेस नेता खड़ा कर दे तो आप बनेगा नहीं। इधर भाजपा के नेता नहीं है क्या? भाजपा के नेता नहीं है,
क्या नहीं है ये बात? कार्यकर्ता है, भाजपा कार्यकर्ता नेता है, अगर वो कांग्रेस की नेता है तो इसमें आपत्ति क्या है? आपत्ति है ना भाई, अपोजिट ही अपोजिट बोलेंगी, ये तो गलत बात हो गई। उनको माफी मांगे तो बता दिए कि आप नारी नहीं है, कांग्रेस नेता है। मैं कोई कांग्रेस की नेता नहीं हूँ, मैं हूँ, मेरा नेता है सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। मैं एक साधारण गरीब महिला हूँ, लेकिन यहाँ महिला सुरक्षित नहीं है। मणिपुर में महिलाओं का निपर्द कहके जलाया गया तो शासन प्रशासन कहा था महिलाओं कहीं यहाँ डरती है निकलने से, महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं है आज। अच्छा, कानून व्यवस्था की सिमरिया क्षेत्र में क्या स्थिति, एक बार कैमरा घुमाइए आप लोग किसके ऊपर हमला? श्री जयराम अग्निहोत्री के ऊपर हमला हुआ है। 307 का मुकदमा क्यों नहीं लगा? भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। बताइए पार्टी के कार्यकर्ता पे हमला हुआ, क्यों मुकदमा? इनका कहना पार्टी के ही कार्यकर्ता पे, एक इनका कहना जो है, एक अपराध के लिए, इनका कहना ये है कि एक अपराध के लिए अपराधी को पकड़ा जाना चाहिए, इनका कहना ये। तो निश्चित तौर से जिस अपराधी के द्वारा मारपीट की गई होगी, आइए कि जिस अपराधी के खिलाफ उनने रिपोर्ट किया होगा, उनसे ये पूछिए कि उनने रिपोर्ट किया है क्या, उनने नाव लिया है? यदि किसी को मार रहे हैं और वो ये स्वतः कह दे कि ऊपर वाला जानेगा, तो दूसरा कौन फंसा सकता है किसी को? दूसरा क्यों किसी को निर्दोष फंसा दे? ये वही बता दे कि किस व्यक्ति ने मारा है और किस व्यक्ति ने मरवाया है। ये इन्हीं से इनसे इनसे मैं पूछना चाहता हूँ खुलेआम कि ये बताइए कि पुलिस काहे के लिए है? उसमें चार लोग गिरफ्तार, तलवार चली, जब तलवार चलती है तो 307 का मुकदमा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? 15-15 लोग दिन दहाड़े बीच रोड में जाके मारते हैं, उनके साथ मारपीट होती है, मुकदमा क्यों नहीं लगा 307 का? डॉक्टर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिक क्यों गया? मैं ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि उनके ऊपर क्यों मुकदमा नहीं लगा? जवाब दे भारतीय जनता पार्टी के नेता और वरिष्ठ नेता, यहाँ रीवा में उप मुख्यमंत्री उनको देखने गए थे, उन्होंने क्या मुकदमा लगवाया अपने कार्यकर्ता की जब रक्षा नहीं कर सकते? इस क्षेत्र के लोगों की कहाँ तक रक्षा करेंगे? कोई सुरक्षित नहीं सिमरिया में। सब शांत हो गए इस मसले पे कैसे गए? गुंडा करती भारतीय जनता पार्टी अभी, इसके पहले जब से कांग्रेस के विधायक आए हैं तो थोड़ा गुंडागर्दी कम हुई है, इसके पहले पूरा तांडव सिमरिया में एक तरफा गुंडागर्दी। सीओ कान देख लीजिए बाजार में, प्रमोशन जी का कान देख लीजिए आप नेता, मानो यहाँ खुलेआम गुंडागर्दी केपी त्रिपाठी जी के लोगों की। रुक जाए, अभी एक प्रश्न आया यहाँ पे, आपने जो बात बताई, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे यही है कि जो यहाँ के प्रत्याशी हैं जनार्दन मिश्रा, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आप कैमरे में जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो जनार्दन मिश्रा एक ऐसे सांसद और नेता हैं कि क्या उनके द्वारा किसी भी बेकसूर व्यक्ति को प्रताड़ित किया गया? क्या उनके द्वारा किसी के ऊपर गलत मुकदमा कायम कराया गया? सांसद ने कभी, एक सांसद किसी को कभी, मतलब किसी मुकदमे, इन सब में सब कुछ ठीक है, एक पैरामीटर ठीक है कि सांसद इस दिशा में बहुत अच्छा काम किए, बाकी चीजों में कितना काम किया अभी तो जरूरी है। शिक्षा के लिए क्या दिया सांसद ने, क्या दिया? आप प्रदेश के खाते मत डालिए। शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए सिमरिया में दो दो महाविद्यालय है, हाशकंडी स्कूल है, सीएम राइज है, कन्या है ना, अब अभी रुक जाए, एडमिशन नहीं होता, ये बोल रहे हैं कि यहाँ सीएम राइज स्कूल है, जिस स्कूल में उनका एडमिशन वहाँ पे नहीं होता। फेल नहीं करना है बच्चे को, आठवीं तक बच्चे को फेल नहीं करना है, जब गरीब के बच्चे गांव में पढ़ाई होती नहीं है। यहाँ कोई नेता आज तक पूछ लीजिए कि कभी किसी नेता की वो फोटो दिखाई है आपकी? कभी सांसद जी, मैं सीएम, मैं विधायक प्रतिनिधि था माननीय पूर्व विधायक जी का, शिक्षा विभाग का, मैंने सांसद जी से निवेदन किया कि हमारे यहाँ सीएम राय हायर सेकेंडरी स्कूल है, माननीय सांसद जी शौचालय आप बहुत बहुत ब्रांड बनते शौचालय का, दो शौचालय बनवा दीजिए, बोले बनवा देंगे, आज तक शौचालय नहीं।
फर्जी ओडीएफ हो गई पंचायतें, चारों तरफ गंद ही गंद है। और जब बच्चा आठवीं तक पढ़ेगा ही नहीं, आठवीं उसको पास कर दोगे, आगे चल के नौवीं से लेबर बन जाएगा। ये कैसी पॉलिसी है, कौन सी शिक्षा नीति है ये? कोई कोई बोर्ड नहीं है कहीं भी, सोए कहीं कोई देखिए एक भी। आप अगर चले जाइए किसी विद्यालय में, आज बोर्ड हुई है, पीछे समय इतनी बेरोजगारी बच्चों बढ़ी है, अयोग्य बच्चे आज गांव-गांव में लेबर गिरी कर रहे हैं, सही पढ़ाई ही नहीं हुई। सांसद जी तो कभी शिक्षा और विषय पर किसी ना किसी का, जैसे आपने कहा कि ना कभी अच्छाई बोले ना बुराई, तो जब उनको बोलने नहीं तो काहे का नेता भैया? भाई आप आग लग जाए तो लगी रहने दो, बुझ जाए तो बुझी रहने दो, ऐसा नेता किस काम का? अगर आप नेता हो समस्त मुद्दों पर, आप हमको इंफ्रास्ट्रक्चर मत बनाओ, रोड पुल पुलिया अंग्रेजों के जमाने में बनी है। आप यहाँ प्रयागराज में चले जाइए, कलकत्ता का एडम्स ब्रिज देख, कई ब्रिज बनी है आज देश में, पहले अंग्रेजों ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है देश में। लेकिन आप सांसद हो तो केवल एक, कभी कोई आप मानी के पी त्रिपाठी हमारे विधायक थे, हम भी उनके प्रतिनिधि थे, वो काम कर रहे थे, हम लोग उनके साथ अस्पताल जाते थे। लेकिन जहाँ आज लोकसभा का मुद्दा था, लोकसभा में, और एक बात और बता दें, हमको इस बात से भी दुख है, मैं कल माननीय विधायक के साथ था, सांसद जी के जितने भी आदमी थे, मैं माननीय अभय मिश्रा जी के साथ था, मैं अभय मिश्रा जी के साथ चला गया दुखी होकर के, जैसे बालेंद्र ने कहा था कि आप आओगे तो मारेंगे। लेकिन आप समझ लीजिए कि कभी भी जितने भी लोग उनके नुमाइंदे थे सांसद जी के, सब माननीय के पी त्रिपाठी को हराने में लगे थे, क्योंकि मैं अभय जी के साथ था, मैं देख रहा था, सभी उनके साथ थे। ये कैसे सांसद है कि वही विधायक गिड़गिड़ा रहा था, ठीक है मैं दुख लेकर चला गया था, मैं कोई बात थी, लेकिन इनके आदमी कहाँ थे? वही आदमी सारे लोग लगे थे जो सांसद जी के आदमी कहलाते हैं। ये दुख है, नहीं ठीक है, राइज बन रही है, यहाँ साबित है पीएम राइज, सीएम राइज की तर्ज में पीएम राइज भी, ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी बालक जो है वो पीएम राइज स्वीकृत है, उसमें एडमिशन भी सभी के होते हैं, आदिवासियों की भी लड़कियां लड़के पढ़ते हैं सीएम राइज में, भैया ने बोला कि सबके एडमिशन नहीं होते हैं, एडमिशन भी सबके होते। भाई साहब कितना काम हो पाया सिमरिया में? अभी पूर्व विधायक जो केपी त्रिपाठी जी 1600 करोड़ की योजना लाए, और पूरा कार्य उनके कंप्लीट भी हो रहे हैं, कुछ चल भी रहे, जैसे सिविल हॉस्पिटल बाढ़ कर अंतिम पड़ाव में पहुँच रहे हैं। एक बात बताइए, सुरक्षा की बात तो हो गई, रोजगार का जो मसला है इस पर जितनी बार बात होती है तो तमाम तर्क दे दिए जाते हैं, जो पढ़ा लिखा है जो शिक्षित है। सांसद जी का कहना है कि हमने नौकरी के लिए नहीं कहा था, रोजगार की बात की थी, स्वरोजगार की बात की थी, इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? बताइए कितने उद्योग सिमरिया में लग पाए? एक भी नहीं। ये बताइए कि कह रहे थे उद्योग क्षेत्र कहाँ है, औद्योगिक क्षेत्र की क्या स्थिति है यहाँ? कुछ नहीं। उद्योग क्यों नहीं आ पा रहा सिमरिया? उद्योग क्यों नहीं आ पा रहा जी? उद्योग बाट साइड का उद्योग सिमरिया में जो लीज है, लीज इसको थोड़ा आगे कर दीजिए, बाट साइड की लीज कांग्रेस के सरकार के जमाने में सिमरिया में 2-3 बाट साइड है स्थान है, एक हो गई चित्ती, वो है 41 एकड़ की, तो उस 41 एकड़ की लीज को कांग्रेस की सरकार ने आज से 30 वर्ष पहले घनेरिया नामक ठेकेदार को, जो बिरसुनपुर का है, घनेरिया नामक ठेकेदार को चित्ती की लीज उनने दे दिया। अब चित्ती की लीज देने के बाद एक ये बेड़ा पहाड़ की लीज थी, टेंडर है कोई डालेगा, सरकार है, अब उसकी एक क्षमता होती है, कोई बागसाइड का भंडारण होगा, बागसाइड की कोई फैक्ट्री खुलेगी तो क्या पर्याप्त भंडारण इस सिमरिया क्षेत्र में है कि उतना बड़ा उद्योग स्थापित कर दिया जाए और 10,000 लोगों को काम दे दिया जाए? उतना उद्योग स्थापित करने के लिए कांग्रेस के शासन काल में ऐसी कोई नोट शीट तैयार नहीं की गई थी जिसमें यह दर्शित हो कि सिमरिया क्षेत्र में पर्याप्त भंडारण है। इसलिए यह कहना कि स्थानीय रोजगार हमको दिलाया जाए, कितने लोगों को दे सकते हैं? और जब 5 साल के बाद जब हट जाएगी वो लीज नहीं चलेगी, एक लीज के लिए और एक बार साइट कारखाने के लिए उद्योग के लिए, ये हमारे हैं, ये पाठक जी हैं, कहाँ गए पाठक जी? श्रीनिवास पाठक जी हैं, सिमरिया क्षेत्र की लोगों में और हमारे यहाँ के एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे,
आज वो नहीं है। उनने लगातार आंदोलन किया था, राजमन जी उस समय मंत्री हुआ करते थे, हम लोग पढ़ते थे। और वो अध्यक्ष सिंह जी आज नहीं है, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। अध्यक्ष सिंह जी ने कांग्रेस के शासनकाल में रहते हुए सिमरिया में बॉक्साइट का आंदोलन चलाया था, और जब जांच हुई थी तो उसमें पर्याप्त बॉक्साइट न होने के कारण ये स्थापित नहीं हो सकती। नहीं, मैं ये आपकी बात मान लिया, आपने पूरी भूमिका, एक सेकंड, उसके अलावा किसी उद्योग की पहल क्यों नहीं कर ली 10 साल? सही है। सिमरिया विधानसभा की हो रही है। सिमरिया विधानसभा में नवस्ता में कौन सी फैक्ट्री है? नवस्ता में फैक्ट्री है, BTL फैक्ट्री है, वहाँ पर उद्योग मिल रहा है। ये कब की फैक्ट्री है? ये बताइए, आपने कहा ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री किस जमाने में लगी? ये फैक्ट्री आज के कम से कम 50-100 साल पहले लगी। किसकी सरकारें थी? कांग्रेस की सरकार। आप बताइए, आप अपना बताइए ना, वही तो पूछ रहा हूँ। यही तो बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे किसी भी स्थान पर पत्थर नहीं है, सिमरिया क्षेत्र में पत्थर नहीं है कि सीमेंट स्थापित है। सीमेंट मिला के यहाँ वो वायबिलिटी नहीं है, इसलिए नहीं लगा पाए। विकास किन जनार्दन मिश्रा के पी त्रिपाठी, जनता मुक्ति चाहती, मुक्ति चाहती कि मुक्त कई दे आवे। अब विकास तो कहीं नहीं चाहे, विकास जनता गाँव गाँव नरिया रही है। कुल मिला के सिमरिया के कुछ तमाम बड़े स्थानीय मुद्दे हैं, और जिसको सामने रखकर यहाँ की जनता वोट करने जाएगी। देखना है परिणाम किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। कैमरा पर्सन मनीष दाहिया के साथ अमित मिश्रा, इंडिया टाइम्स, सिमरिया। अ प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल हॉस्पिटल रीवा। विंध्य क्षेत्र में पहली बार कैंसर का संपूर्ण इलाज। आयुष्मान कार्ड धारकों का संपूर्ण इलाज निःशुल्क। पता, नेशनल हॉस्पिटल, समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा। के माध्यम से कहते हैं, हमें कंपटीशन कांग्रेस बीजेपी का नहीं, आपने पहले ही कहा।